नया पिल्सबरी कुकी केक। इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक। सीएम बनने के बाद पहली बार जलंधर आए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। जलंधर के विकास के लिए कैप्टन ने लगभग 346 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की। ये पैसे शहर के विकास कार्य पर लगेंगे, जिसमें सीवरेज और पानी मुख्य होंगे। कैप्टन ने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस शहर के लिए और ग्रांट जारी होगी। बता दें कि सुबह कैप्टन का हेलीकॉप्टर पीएपी उतरा, वहां से वे सीधा डेविएट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू, विधायक परगट सिंह, विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक जूनियर बाबा हेनरी, विधायक सुशील रिंकू व अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। फॉर जलंधर, स्मार्ट सिटी वी आर गिविंग 50 करोड़ नाउ फॉर जलंधर एंड अर्बन मिशन पीआईडीबी इज डूइंग 81 करोड़। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी सीट नादौन से कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी मेडिकल कॉलेज को लेकर आमने सामने आ गए हैं। हमीरपुर जिला के जोलसपर्ड में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर जहां बीजेपी पूरा श्रेय लेने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। फिलहाल अभी मेडिकल कॉलेज तो बना नहीं, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार विजय अग्निहोत्री और कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने प्रचार अभियान में मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं सुखविंदर। मेडिकल कॉलेज की जहाँ तक बात है, उसमें एक एक पैसा एनडीए सरकार के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उसको दिया है। मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन चिन्हित करना, उसके एनओसी लेना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। उसमें वो असफल हो रहे थे, उसको हमने फैसिलिटेट किया है। हम अनुराग ठाकुर जी ने इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण से आज जोलसप्पण में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन थ्रू हुई है। और मेडिकल कॉलेज का हमने हमेशा समर्थन ही नहीं किया, हमने उसको एस्टेब्लिश करने के लिए काम किया है। हमने नड्डा जी से पैसे, अगर ऐसे होता तो नड्डा जी पैसे क्यों डालते? एक भी पैसा यूपीए गवर्नमेंट के समय में नहीं था। कागजी घोषणाएं करके कॉलेज नहीं खुलते हैं, केवल बीजेपी की गवर्नमेंट ने और अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों से ही ये सारा संभव हो रहा है। बीजेपी तो झूठ बोलने में माहिर है और आप तो पत्रकार बंधु है। आज जो चीज़ मैं लेकर आया हूँ वो तो आप सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं। उस नोटिफिकेशन की कॉपी ले लीजिए जिसमें 189 करोड़ सैंक्शन किया गया। ये लोग तो उसको रुकवा रहे हैं ये सोचकर कि हमारी सरकार बनेगी तब हम लोग आएंगे। हमारी सरकार बन रही है, हम इतिहास बनाने जा रहे हैं और मेडिकल कॉलेज गुलाम नबी आज़ाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। 55 पिछड़े जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने थे, ये एक ऐसा जिला था जहां मैंने अपना मेडिकल कॉलेज करवाया। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल द्वारा अपने बयान में कांग्रेस को चोर और भारतीय जनता पार्टी को महाचोर की संज्ञा देने पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि पहले तो ये देखना होगा कि बोलने वाले की हैसियत क्या है, क्योंकि वे एक तरफ कांग्रेस को चोर बताते हैं और दूसरी तरफ होटल में रात को उनके नेता से छिप छिप कर मिलते हैं। विज का कहना था कि हार्दिक पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे के बारे में इस प्रकार की बातें करने का कोई हक नहीं है। देखिए, ये तो सारी विपक्षी पार्टियां अपनी तरफ से कहते ही रहती हैं, लेकिन फैसला जनता ने करना होता है और जनता ने फैसला बीजेपी के पक्ष में दिया है और आगे भी बीजेपी के पक्ष में ही देगी। बोलने वाले की अपनी हैसियत क्या है, उसका अपने बारे में क्या विचार है, उसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं, तो उसको किसी पे बोलने का कहने का क्या हक है। और फिर वो कहता है कि कांग्रेस चोर है और चोरों से रात को छुप छुप के मिलता जाके वो।
पटियाला में आंगनवाड़ी वर्कर यूनियन द्वारा मांगों को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन की चिंगारी तरनतारन में भी सुलगती नजर आई। तरनतारन में आंगनवाड़ी वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्करों का आरोप है कि पंजाब सरकार उनके साथ अन्याय करते हुए उनके पेट पर लात मार रही है। पंजाब सरकार के फैसले से उनका रोजगार छिन जाएगा, जिस कारण वे सड़क पर उतरकर संघर्ष करने को मजबूर हो गए हैं। भारत विकास परिषद की तरफ से सेक्टर 24 स्थित इंदिरा हॉलिडे में बने चैरिटेबल हॉस्पिटल के लिए फुल बॉडी स्कैन मशीन का अनावरण किया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर मुख्य मेहमान के रूप में पहुंची। इस अवसर पर भारत विकास परिषद की तरफ से हॉस्पिटल को एक एम्बुलेंस भी दान की गई। हाँ जी, भारत विकास परिषद ने ये डेक्सा स्कैन मशीन लगाई है, जो कि बहुत ज़रूरी है। इससे पता चलता है हड्डियाँ कितनी अभी तक दृढ़ हैं, कितनी स्ट्रांग हैं और खोखली तो नहीं होती जा रही। ये टेस्ट कराने बड़े ज़रूरी हैं और बड़े वाजिब दामों पर ये टेस्ट हो रहा है। बाहर 3000 में होता है, यहाँ पर ये लोग 300 में करा रहे हैं। भारत विकास परिषद हमेशा बहुत अच्छा काम करती है, तो मैं इनके प्रोग्राम में ज़रूर और ज़रूर आती हूँ। बहुत बड़ी नेमत है लोगों के लिए कि ये यहाँ पर ये सेंटर चला रहे हैं, जिसमें इतने लोगों का इलाज हर चीज़ के लिए होता है। और उन डॉक्टरों का भी धन्यवाद जो अपना समय यहाँ पर देते हैं। आज भारत विकास परिषद ने जो सीनियर सिटीजन हमारे हैं चंडीगढ़ के, उनके लिए एक डेक्सा स्कैन मशीन का यहाँ पर लोकार्पण किया गया। इसमें जो सीनियर सिटीजन के हड्डियाँ होती हैं वो उसमें कितनी डेंसिटी है, कितनी मजबूत हैं, ये फुल बॉडी स्कैन है। मार्केट में ये स्कैन बहुत महंगा है, लोग इसको करवाने में असमर्थ हैं, इसलिए भारत विकास परिषद ने इस टेस्ट को केवल मात्र 300 रुपये में यहाँ पर लॉन्च किया है। कोई भी व्यक्ति 300 रुपये दे के इस टेस्ट को करवा सकता है। उसके बाद अगर उसके हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, बोन डेंसिटी में कमी है, तो उसका एक प्रॉपर हड्डियों के डॉक्टर द्वारा इलाज भी किया जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 35 वर्ष से ऊपर के बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए 6वीं वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप का अनावरण किया गया। इस चैंपियनशिप का अनावरण स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने करना था, लेकिन जालंधर में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त होने के कारण वे नहीं आ पाए। इसलिए सिद्धू की जगह उनके सलाहकार डॉक्टर अमर सिंह ने इस टूर्नामेंट का अनावरण किया। इस अवसर पर डॉक्टर अमर सिंह ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए खेलों के प्रति लोगों को प्रेरित करने की बात कही। देखो, ये जड़ा 6वां सुदामा क्लब हो रहा बैडमिंटन का चंडीगढ़ च, और ये वैटरन का है, मतलब 35 साल की उम्र तो उत्ते वाले लोगों का है। मैं समझदा कि ये बहुत यूनीक एक काम इन्होंने एस पी सिंह जी, इन्हों पराशर साहब, इन्हों की सारी टीम ने किया है कि 35 साल तो उत्ते दे लोगों को खेलों च दिलचस्पी लेने लिए उत्साहित करने लिए। और तुसी आप देखो जिन्ने लोग आ रहे हैं, 700-800 तो प्लेयर आ गया हैगा सारे हिंदुस्तान चो, बाहर दे मुल्कां चो। अच्छा, ये आप ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई सरकार, कोई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई पंजाब सरकार ये इन्हां नू मतलब इहदे विच इनवॉल्व नहीं आ। तो मैं इन्हां नू बहुत बधाई दिना कि इहो जिहा मैसेज समाज दे रहे हैं कि जे घर दा वड्डा आदमी खेड खेलूगा तो उहदा असर बच्चों ते जरूर होएगा। और ये खेल च दिलचस्पी परिवारां च और सारे हिंदुस्तान, ये 3 दिन दिया ने, 26, 27, 28 तक, 26 तो 27 तक, 29 तक आए, 4 दिन का
ਇਹ ਗੇਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਆ। जौनपुर में गाजीपुर रेल मार्ग पर कुछमुछ गांव के पास गेटमैन की सूझबूझ के चलते एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। घटना बीती शाम की बताई जा रही है। दरअसल गाजीपुर की तरफ से आ रही एक मालगाड़ी इस रेल मार्ग से गुजरने ही वाली थी कि इससे पहले गेटमैन की नज़र टूटी हुई रेल लाइन पर पड़ी। ऐसे में गेटमैन ने तत्काल लाल झंडी दिखाकर गाड़ी को रुकवा दिया, जिससे यहाँ एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मतलब कारण यही है, ठंड बढ़ गई है, हो सकता है ठंड के खिंचाव के कारण ठंड में रेल जो सिकुड़ती है और गर्मी में फैलती। लगभग दो घंटे सोहेल देव निकल गई थी, मालगाड़ी दो घंटे रुकी थी तकरीबन। क्या हुआ है कि हम इलाका को देखते हुए जा रहे थे, पहले गए इधर हमारा 49 क्षेत्र के, फिर आए तब लाइन टूटा हुआ मिला था हमको, तो हमने गाड़ी रोका था। मालगाड़ी आया था अब से बिसियन था, कारण तो क्या है ठंडी में रेल सिकुड़ती है तो इसी कारण से टूट। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चॉको चिप्स और चॉको ड्रिजल और चॉको केक। अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। नया पिल्सबरी कुकी केक, आपके मुंह का एंटरटेनमेंट।